ये लुसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज। इसमें देखेंगे हम 25 क्वेश्चन जो कि होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस, सब इंक्लूडेड, जो कि क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गौतम बुद्ध फाउंडर है बुद्धिज्म के, बुद्धिज्म की शुरुआत यहीं से हुई। ये उनका जन्म हुआ 563 BC, मतलब जो हम 2024 में हैं, अब जीरो तक पहुँचो पीछे, उस तरह से पीछे और जीरो से पीछे 563 BC, जीरो से पहले कहाँ हुआ, लुम्बिनी नाम, यह है नेपाल में। किस दिन हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वाना गांव में जगह पर हुआ, जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध फाउंडर है बुद्धिज्म के। रजिया सुल्तान ओनली मुस्लिम लेडी हैं जिन्होंने इंडिया पर रूल किया, मतलब रजिया सुल्तान मुस्लिम लेडी, ओनली वन, एक ही मुस्लिम लेडी हैं जिन्होंने इंडिया पर राज किया, उनका नाम है रजिया सुल्तान। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई वो मेरठ से शुरुआत हुई, कद 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति, जो रिवोल्ट हुआ 1857 की क्रांति शुरुआत हुई मेरठ से हुई 10 मई को। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है, सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है, ये ज्योग्राफिक क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट कैन सबमिट रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, सबसे बड़े हैं, इनसे बड़ा तो कोई नहीं है, अगर उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़े इन एनी केस तो किसे देंगे, वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सबमिट करेंगे अपना रेजिग्नेशन। ओथ टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट में गवर्नर होते हैं, हर एक स्टेट में गवर्नर होते हैं, तो उन्हें ओथ कौन दिलाएगा, उन्हें ओथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो ओथ दिलाएंगे गवर्नर को, और ये रेजिग्नेशन करना अगर गवर्नर को देना होगा तो वो देंगे प्रेसिडेंट को। क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, वो इकोनॉमी जिसमें फॉरेन ट्रेड नहीं होता, ना तो एक्सपोर्ट होता है ना इम्पोर्ट करती है, तो इसे इस इकोनॉमी को कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी, अगर कोई कंट्री ना तो इम्पोर्ट करती है ना एक्सपोर्ट करती है तो उसे कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। मायोपिया, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया दो हैं, ये दो कंडीशन है, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मायोपिया को इसमें ये एक ऐसी कंडीशन है, मतलब देखने वाली, इसमें नियर ऑब्जेक्ट तो नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो क्लियरली दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो इस सिचुएशन को कंडीशन को कहते हैं मायोपिया, मतलब नज़दीक के ऑब्जेक्ट दिखते हैं दूर का नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया दूर का दिखता है नज़दीक का नहीं दिखता, मतलब मायोपिया छोटा टर्म है तो नज़दीक का दिखेगा, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा टर्म है तो मतलब दूर का दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा, इस तरह से याद कर लेना है। तो मायोपिया इसमें कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली वाइल फार ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते, हाइपरमेट्रोपिया ये होता है ना आँखों में कि मुझे नज़दीक का चश्मा है दूर का चश्मा है, उस तरह से ही सिचुएशन है ये। हाइपरमेट्रोपिया डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो दूर की चीज़ें क्लियर दिखती हैं, नज़दीक की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। गौतम बुद्ध को निर्वाण के ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 की एज में, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई गौतम बुद्ध को, बोध गया जो कि बिहार में है पीपल के पेड़ के नीचे, उन्हें 35 साल की उम्र में निर्वाण की प्राप्ति हो गई। बलबन ने इंट्रोड्यूस किया सिजदा एंड पैबोस, ये मेडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन है, पूछा जाता है सिजदा और पैबोस क्या है, मतलब पैरों में पड़ जाना वाला सिचुएशन थी, पैरों को चूमना उस तरह से ग्रेड करना जैसे हम नमस्ते करते हैं, तो ये सिजदा और पैबोस था, तो ये इंट्रोड्यूस किया था बलबन ने। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा अरविंदो घोष ने, अरविंदो घोष ने कहा कि ये मांगती रहती हैं भिखारी हैं क्या, तो INC को बैगिंग इंस्टीट्यूट, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई, हर साल ये मिलते थे, हर साल मीटिंग होती थी, यही जो आज की कांग्रेस है वही थी ये कांग्रेस, आज़ादी से पहले बनी थी ये। 1853 में पहली रेलवे लाइन खुली बॉम्बे से लेकर थाने, बॉम्बे और थाने के बीच में, थाने भी बॉम्बे में ही है, मुंबई में ही, मतलब रिगर ब्लैक सोयल का दूसरा नाम है रिगर सोयल, ये पूछा जाता है रिगर सोयल कौन सा है, तो ब्लैक सोयल को ही रिगर सोयल कहते हैं, और ब्लैक सोयल की ओरिजिन है वॉल्केनिक, वॉल्केनो से आई है ये बनी है। हेलोफाइट वो प्लांट है जो कि सेलाइन इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं, मतलब समुद्र के किनारे।
प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, देखो प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो हम तो वोट डालते नहीं हैं, तो इन्हें चुनना कैसे जाता है, इलेक्टेड कैसे होते हैं ये? तो जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर जो चुन के गए हैं, क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड भी हैं लोकसभा में और राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर भी हैं, तो उन्हें छोड़ के जो इलेक्टेड मेंबर है वो प्रेसिडेंट की वोट डाले हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ भी इलेक्टेड मेंबर है, मतलब जो चुन के गए हैं, क्योंकि कुछ नॉमिनेटेड मेंबर रखे जाते हैं, लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर है, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, तो इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा, हर एक स्टेट असेंबली के, उसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी के, दिल्ली और पौंडीचेरी स्टेट नहीं है, यूटी हैं, बट यहाँ असेंबलीज हैं तो उनके भी मेंबर, मतलब एमपी और एमएलए वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्रेसिडेंट कैन सबमिट रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पे सबमिट कर सकते हैं। सेबी के फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कब बनाया गया, 1988 में। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में जो गैस यूज होती है, मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किया जाता है, जैसे कोरोना काल में बहुत सारा यूज़ किया गया ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें ऑक्सीजन के अलावा हीलियम भी यूज होती है। ट्राई रत्न, जैनिज के 3 रत्न है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। जैनिज के 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अहिंसा मतलब मारपीट नहीं करना, सत्य मतलब सच बोलना, अपारी ग्रह मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा ना करना, जरूरत किससे ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा ना करना, और ब्रह्मचारी रहना। 5 महाव्रत हैं और 3 रत्न हैं जैनिज्म के, ये पूछ ले जाते हैं क्या है जैनिज्म के। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन होते थे हर साल, तो 1907 में सेशन हुआ सूरत में, तो सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, मतलब विचारधारा के बेस पे 2 हिस्सों में बट गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट वो थे कि हम आज़ादी लड़ के लेंगे, जिसमें थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पॉल। मॉडरेट थे वो थे कि बात करके आज़ादी ली जा सकती है, तो उसमें थे गोपाल कृष्ण गोखले। पूछ लिया जाता है कौन एक्सट्रीमिस्ट थे और कौन मॉडरेट थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, हर साल ये मीटिंग करते थे, तो 1907 में मीटिंग सूरत में हुई। सूरत में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें INC 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। मॉडरेट को लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, और एक्सट्रीमिस्ट में थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पॉल। एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि हम लड़के आज़ादी लेंगे, मॉडरेट कह रहे थे कि बात करके आज़ादी ली जाएगी। स्ट्रेटोस्फीयर, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, इस जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, पहला ट्रोपोस्फीयर है फिर स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड नहीं है तो आइडियल फ्लाइंग कंडीशन है, मतलब वहाँ पर जहाज उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि ये बेसिकली तो लगता है कि बादलों के ऊपर जहाज उड़ रहे हैं, क्योंकि बादल ट्रोपोस्फीयर में रह गए, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, और स्ट्रेटोस्फीयर में ही ये आइडियल सब कंडीशन होती है जहाज़ों के उड़ने के लिए, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर लेयर जो फ्री फ्रॉम द क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, मतलब वहाँ बादल नहीं तो बारिश होगी नहीं, तो क्लियर फ्लाइंग कंडीशन वहाँ होती हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट प्राइम मिनिस्टर उस जो पार्टी ज़्यादा MP या MLA जीतते हैं, MP जिसके ज़्यादा जीते हैं उनका हेड, वो जो चुनेंगे वही प्राइम मिनिस्टर के लिए होगा, वही कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, मतलब जो MP जीते लोकसभा में चुनाव हुए हैं, तो चुनाव लोकसभा के ही होते हैं, राज्यसभा में अलग ढंग से चुने जाते हैं। तो लोकसभा में जब चुनाव MPs के जब चुनाव होते हैं, तो MP जो सबसे ज़्यादा पार्टी के MP, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा MP जीतते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, वो फिर वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होता है, उसे ओथ दिलाने का काम करते हैं प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट का ऐसा मन नहीं कि मेरा मन है मैं प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, ऐसा नहीं होता। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा MP जीते हैं उनका जो लीडर वो चुनेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर फिर ओथ उसे दिलाएंगे प्रेसिडेंट। और जो दूसरे मिनिस्टर बनेंगे वो प्राइम मिनिस्टर फिर बताएंगे कि मैं इसे मिनिस्टर बनाऊंगा, तो प्रेसिडेंट फिर उसे अपॉइंट कर देंगे मिनिस्टर के फॉर्म में।